Welcome back in my YouTube channel Mechanical Wi-Fi. Today we will start pipe fitting accessories and pipe fitting tools. Standard shape में उपलब्ध पाइप को अपने इच्छा अनुसार प्रयोग में लाने के लिए पाइप एक्सेसरीज का प्रयोग किया जाता है, जिसे पाइप फिटिंग कहते हैं। फर्स्ट एक्सेसरीज क्रॉस। चार पाइप को 90 डिग्री बिछाने के लिए क्रॉस का यूज किया जाता है। सेकंड टी, इसका यूज 90 डिग्री पर तीन पाइप को जोड़ने के लिए किया जाता है। जनरली ये प्लास्टिक, एल्युमिनियम और वीट की अवेलेबल होती है। बैंड भी 90 डिग्री पर मुड़ा हुआ पाइप का टुकड़ा होता है, जिसके दोनों सिरे पर चूड़ियां कटी होती हैं। बैंड को पाइप से जोड़ने के लिए सॉकेट लगाने पड़ते हैं। फ्लेंच का प्रयोग पाइप व कंट्रोलर वाल्व को जोड़ने के लिए किया जाता है, तथा इसका प्रयोग दो लंबे पाइप को एक साथ जोड़ने के लिए किया जाता है। इससे नट और बोल्ट की सहायता से जोड़ा जाता है। बाल्ब का प्रयोग ब्रांच लाइन निकालने के लिए किया जाता है। बाल्ब के काफ़ी टाइप होते हैं, निडल बाल्ब, ग्लोब बाल्ब, गेट बाल्ब, नॉन रिटर्न बाल्ब, स्टॉप बाल्ब। सॉकेट, यह एक खोखला पाइप का टुकड़ा होता है, जिसके अंदर संपूर्ण पाइप में चूड़ी कटी होती है। इसका यूज सेम डायमीटर के पाइप के टुकड़े को जोड़कर पाइप की लंबाई बढ़ाने के लिए किया जाता है। चलिए फ्रेंड्स, अब चलते हैं पाइप डाई। इसका प्रयोग पाइप पर बाहरी चूड़ियां काटने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग गैल्वेनाइज आयरन पाइप पर चूड़ियां काटने के लिए किया जाता है। अब आते हैं प्लग। प्लग एक और रिंच फंसाने के लिए स्क्वायर हेड का बना होता है और बॉडी के इंटरनल भाग में थ्रेडिंग होती है। पाइप रिंच का यूज पाइप को खोलने या कसने में किया जाता है। इसके दोनों जो पाइप को अच्छी तरीके से ग्रिप कर लेते हैं। अब आते हैं निडल। निडल से भी पाइप जोड़ा जाता है, जिसके बाहर साइड चूड़ी कटी होती है। यूज सेम या डिफरेंट दो पाइप को जोड़ने के लिए किया जाता है। अब आते हैं रिड्यूसर पर। बड़े डायमीटर के पाइप को कम डायमीटर के पाइप से जोड़ने के लिए रिड्यूसर का यूज किया जाता है। इसके एक सिरे पर बड़ा डायमीटर और दूसरे सिरे पर छोटा डायमीटर होता है।